नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब सुरक्षित होंगे अपने घरों पर। ये आपकी हिंदी की कक्षा है। आज हम पार्ट नंबर 4 मम्मी भूख लगी है कविता के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता में बताया गया है कि बच्चों को जंक फूड खाना पसंद होता है, जैसे केक, पेस्ट्री, पिज्ज़ा, नूडल्स, समोसे, कचौड़ियाँ, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, ये सब खाना बहुत पसंद होता है। लेकिन ये सब क्या होता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। कुछ समय के बाद हम बीमार रहना शुरू हो जाते हैं, इसलिए हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। बच्चों को और बड़ों को हमेशा पौष्टिक भोजन ही खाना चाहिए, जैसे दाल, हरी सब्जियां, चावल, रोटी, यही खाना चाहिए। इससे क्या होता है, हम ताकतवर बनते हैं, शक्तिशाली बनते हैं, बुद्धिमान बनते हैं और हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो इस कविता में यही बताया गया है कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। आइए इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। नंबर 1 है मनमाना। मनमाना होता है मनमर्जी, अपनी मर्जी से ही। भाता, भाता का मतलब होता है अच्छा लगता है, भाता है बच्चों को जो भाता है अच्छा लगता है, मतलब उसका है। गर, गर मतलब होता है अगर। पौष्टिक, पौष्टिक होता है पौष्टिक तत्वों वाला, ठीक है, जैसे हमारा हरी सब्जियां, दाल, चावल, ये सब पौष्टिक तत्वों का है। हरगिज, हरगिज मतलब होता है बिल्कुल। हष्टपुष्ट, हष्टपुष्ट का मतलब होता है स्वस्थ। प्रतिदिन, प्रतिदिन का अर्थ होता है हर रोज। शक्तिमान का अर्थ होता है ताकतवर। तो ये है बच्चों आपके कठिन शब्दों के अर्थ। अब अपना पेज नंबर 28 खोलिए, उसमें है मौखिक प्रश्न। अब हम मौखिक प्रश्नों को करेंगे। नंबर 1 है भूख किसे लगी थी। तो किसे लगी थी बच्चों भूख? शाबाश, भूख बच्चे को लगी थी। नंबर 2 है बेटा खाने के लिए क्या मांग रहा था। क्या मांग रहा था बच्चों बेटा खाने के लिए? बेटा खाने के लिए केक, पेस्ट्री, पिज्जा, नूडल्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम, ये सब खाने के लिए मांग रहा था। नंबर 3 है मम्मी ने अपने बेटे को क्या समझाया। क्या समझाया था मम्मी ने अपने बच्चे को? मम्मी ने अपने बेटे को जंक फूड ना खाने के लिए समझाया था। तो ये थे बच्चों आपके मौखिक प्रश्न। पंक्तियां पूरी कीजिए, ये कविता के आधार पर है तो हम इसको पूरा करेंगे। गरम डैश और डैश, जी भर डैश सकता हूँ, आइसक्रीम चॉकलेट डैश झटपट डैश हूँ। गरम, गरम क्या? समोसे, गरम समोसे और कचौड़ी, जी भर मैं खा सकता हूँ, जी भर मैं खा सकता हूँ आइसक्रीम चॉकलेट मिठाई झटपट चट कर सकता हूँ, ठीक है। गरम समोसे और कचौड़ी, जी भर मैं खा सकता हूँ आइसक्रीम चॉकलेट मिठाई झटपट चट कर जा सकता हूँ। अब पेज नंबर 29 पे आइए, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1 किन्हीं 2 जंक फूड के नाम लिखिए। तो सोचो अपने दिमाग में कि कोई भी जो जंक फूड जो ज्यादा पसंद है आपको, ठीक है, क्या लिख सकते हो आप? आइसक्रीम चॉकलेट, ठीक है, नूडल्स, पिज्जा, ये कुछ भी लिख सकते हो आप। सिर्फ 2 जंक फूड के नाम लिखने हैं आपने। नंबर 2 क्या आप रोज दूध पीते हैं? हाँ, हम रोज दूध पीते हैं। नंबर 3 ताकतवर बनने के लिए कैसा भोजन करना चाहिए? हमें ताकतवर बनने के लिए पौष्टिक भोजन करना चाहिए। नंबर 4 किन्हीं 2 पौष्टिक भोजनों के नाम लिखिए। कौन कौन से हो सकते हैं पौष्टिक भोजन? शाबाश, हरी सब्जियां, दाल, चावल, रोटी, ठीक है, ये सब आपका पौष्टिक भोजन में आता है। किन्हीं 2 के आपने नाम लिखने हैं। तो ये है आपके प्रश्नों के उत्तर।
आइए अब हम इस अभ्यास के एक वचन बहुवचन करते हैं। एक वचन एक चीज के लिए होता है और एक से अधिक चीजों के लिए हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे समोसा, समोसा मतलब एक समोसा, इसका बहुवचन क्या बनेगा? समोसे। समोसा मतलब एक समोसा, समोसे मतलब बहुत सारे समोसे। मिठाई, मिठाई मतलब एक मिठाई, तो इसका बहुवचन क्या बनेगा? मिठाइयां, मिठाई मिठाइयां। पकोड़ा, पकोड़ा मतलब एक पकोड़ा, पकोड़े का हो जाएगा आपका पकोड़े। पराठा, पराठा मतलब एक पराठा, उसका बहुवचन क्या बनेगा? पराठे। सब्जी मतलब एक सब्जी, सब्जी का बहुवचन क्या बनेगा? सब्जियां। कचौड़ी मतलब एक कचौड़ी, कचौड़ी का बहुवचन क्या बनेगा? कचौड़ियां। समोसा, समोसे, मिठाई मिठाइयां, पकोड़ा पकोड़े, पराठा पराठे, सब्जी सब्जियां, कचौड़ी कचौड़ियां। ये थे आपके एकवचन बहुवचन। जो शब्द आपस में एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे रात दिन, दिन रात, वैसे गरम, गरम का विलोम शब्द क्या होगा? ठंडा, गरम ठंडा। बीमार, बीमार का विलोम शब्द होगा स्वस्थ। मीठा, मीठा का विलोम शब्द क्या होगा? कड़वा। बलवान, बलवान मतलब शक्तिशाली, उसका विलोम शब्द क्या होगा? कमजोर। गरम ठंडा, बीमार स्वस्थ, मीठा कड़वा, बलवान कमजोर। ये है आपके विलोम शब्द। तो ये था बच्चों आपका पाठ नंबर 4, मम्मी भूख लगी है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। तो इसको अच्छे से आपने अपने घर में पढ़ लेना है। अब हम हिंदी की अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।